हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISEE 2020-21 की बात करेंगे। जैसा कि आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि सैनिक स्कूल का ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट कर दिया गया है आपके 20 अक्टूबर 2020 से और आपके 19 नवंबर 2020 जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो फॉर्म को जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 9th के सिलेबस की डिटेल एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, क्लास 9 के सिलेबस की डिटेल एनालिसिस करेंगे, किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं इसकी बात करेंगे। यह आपके टोटल आपके 5 सेक्शन में इसका पेपर जो है आपका डिवाइड किया गया है। जी हाँ, मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा हैं और साथ में आपको जो मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के वह भी आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, इसलिए मैथमेटिक्स को आप एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक अच्छे फॉर्म में एक अच्छे रैंक के साथ क्लियर करना चाहते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला सेक्शन जो है आपका मैथमेटिक्स का है, गणित का है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो इनका जो मार्क्स रहने वाला है आपके एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें मैथमेटिक्स सेक्शन की तो आपको 200 आपको मिल जाएगा मार्क्स। नेक्स्ट वन, इसमें आपके सेक्शन बी की बात करें तो आपके इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी या आप बोल सकते हैं कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके सिंपल आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग आपके पजल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि इनमें आप करेक्ट क्वेश्चन करते तो कितना मार्क्स आपको मिलेगा तो आपको 2 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। टोटल आपका मार्क्स हो गया इंटेलिजेंस से 50 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट वन, इसमें आपके लैंग्वेज में आपका इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओवरऑल आपका मार्किंग हो गया इंग्लिश का 50 मार्क्स का। नेक्स्ट वन, इसमें आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 पे और मार्क्स आपके 25 × 2 50 मार्क्स हो गए आपके जनरल साइंस। नेक्स्ट वन, इसमें और लास्ट है आपका सोशल साइंस, जो आपके सामाजिक विज्ञान होते हैं उनसे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 पूछे जाते हैं और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो आपके 400 टोटल मार्क्स रहने वाला है क्लास 9 की रिगार्डिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 180 मिनट्स आपको टाइमिंग दी जाती है। जी हाँ, आपको 3 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, आपको पूरे 3 घंटे की टाइमिंग आपके पेपर में मिलेगी। यह आप बोल सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपके एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके 4 डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपके एक करेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और OMR बेस्ड आपके सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, आपके ऑफलाइन में आपके एग्जामिनेशन होंगे जो आपके OMR बेस्ड आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, जिसमें आपके बबल्स को फिलअप करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव मार्किंग की तो अगर आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है सैनिक स्कूल में, जैसा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अगर हम बात करें आपके क्लास 9th की रिगार्डिंग तो आपका जो मीडियम रहने वाला है एग्जामिनेशन का वह आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। बोल सकते हैं कि आपका जो पेपर आएगा वो आपका इंग्लिश मीडियम में आपके पेपर आएंगे, जिसमें आपके इंग्लिश मीडियम और साथ में हिंदी मीडियम दोनों आपके बुकलेट में प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9th के रिगार्डिंग डिटेल आपके सिलेबस की एनालिसिस कर लेते हैं। चैप्टर वाइज हम नेम बता दे रहे हैं, आपके उसी चैप्टर को रेफरेंस करना है, रिफर करना है और एक अच्छे फॉर्म में अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है।
अगर आप मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9 के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक की बात कर लेते हैं जो आपके 2021 सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 200 आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे सेक्शन ए से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले नंबर पे आपका है जो टॉपिक का नाम है वो आपका रेशनल नंबर रहने वाला है। आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके सिलेबस हैं क्लास 8 के, जो एनसीईआरटी में आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, सेम आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर यहाँ पे भी रहने वाले हैं। जो आपका इंक्रीमेंट होगा उसको आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वन इसमें आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थर्ड वन आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट वन इसमें आपका डेटा हैंडलिंग जिसमें आपके बार ग्राफ और साथ में आपके लाइन ग्राफ। नेक्स्ट वन इसमें आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज जिसमें आपके परसेंटेज और साथ में उसमें आपके मेंशन रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वन इसमें आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। नेक्स्ट वन इसमें आपका एरिया एंड पेरीमीटर्स। नेक्स्ट वन इसमें आपके वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन इसमें आपके एक्सपोनेंट्स एंड पावर। नेक्स्ट वन इसमें आपके प्लेइंग विथ नंबर्स। नेक्स्ट वन इसमें आपके 13th नंबर पे विजुलाइजिंग सॉलिड शेप जो आपके एनसीईआरटी के ही चैप्टर हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके 14th नंबर पे आपके ट्रायंगल जिसमें आपके पाइथागोरस आपके थ्योरम को भी प्रूव करना आना चाहिए कि जो आपके बड़ी वाली आपकी साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यह आपका पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव किया गया है। नेक्स्ट वन इसमें आपकी इरूलर फार्मूला जो होता है a+b - u = 2 आपका फार्मूला जो होता है इरूलर का उसको भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन इसमें आपकी एवरेज जो आपकी मीन मोड मीडियन होते हैं वो भी आपको फाइंड करने आना चाहिए, मीन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में हम लोग प्रायिकता बोलते हैं या पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में इससे क्वेश्चन कन्फर्म आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन इसमें आपके पाई चार्ट। नेक्स्ट वन इसमें आपके 19th नंबर पे आपके डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इसमें आपके फैक्टराइजेशन। 21 नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। 22 आपके यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट वन इसमें आपके डिविजिबिलिटी आपके एग्जाम जिसमें आपके डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके ट्रायंगल जिसमें आपके एंगल सम प्रॉपर्टी आपके यूज होने वाला है। नेक्स्ट वन इसमें आपके पैरेलल लाइंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, वर्क एंड टाइम, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और लास्ट वन इसमें आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और आपके डिवीजन एल्जेब्रा का जो आपका a+b² इस तरीके के जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन रहने वाला है वह आपका इंटेलिजेंस से रहने वाला है। अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 आपके क्वेश्चन इससे रहने वाले हैं। क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनोलॉजिकल मैथमेटिकल और वर्बल जिसमें आपके पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन विजुअल और लॉजिक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिसमें हम लोग डिटेल में आपके सिलेबस की भी एनालिसिस करेंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी टॉपिक की बात की जा रही थी, पूरे टॉपिक को कवर करने वाला हूं, आपके सैनिक स्कूल और साथ में सेंट्रल हिंदू स्कूल और आपके नवोदय विद्यालय सभी चीज़ों की प्रिपरेशन कराई जाती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं जो आपके इंग्लिश ग्रामर पोर्शन से रहने वाले हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें तो पहले नंबर पे आपका स्पॉटिंग एरर्स जिसमें आपके एरर्स रहते हैं उसको आपको फाइंड करने रहते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके कंप्रेहेंसिव पैसेज जिसमें आपके पैसेज दे देगा उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और उसमें आपके उससे रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शन रहेंगे उसको आपको मेंशन किया जाएगा, उसमें सबको बताना रहेगा पैसेज को पढ़ने के बाद।
नेक्स्ट वन इसमें आपके एंटोनिम और सिनोनिम्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ वर्ब, टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म में आपके टेंस के फॉर्म की बात की जा रही है, जैसे आपका गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, इस तरीके की चीज़ें कोई बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इसमें आपके नरेशन, नरेशन और वॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोडाल से इस बात का ध्यान रखिएगा, नरेशन में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसा कि हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, नेक्स्ट वन इसमें आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, नेक्स्ट वन इसमें आपके 14th नंबर पे करेक्ट स्पेलिंग, जिसमें आपके स्पेलिंग को गलत दिया रहेगा उसको आपको करेक्टली करना पड़ेगा, या 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपकी एक करेक्ट स्पेलिंग रहेंगी और 3 जो रहेंगे वो आपके इनकरेक्ट रहने वाले हैं या इसका अपोजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इसमें आपके ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और आपके 16th नंबर पे आपके आइडम एंड फ्रेसेस, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते तो इसके लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट लोकेतियाँ और मुहावरे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपके 17th नंबर पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो आपके सेंटेंस दिए रहेंगे उसमें जो भी त्रुटियाँ रहेंगी उससे रिलेटेड आपको इम्प्रूवमेंट को बताना रहेगा। नेक्स्ट वन इसमें आपके चेंज ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड, उसमें आपके ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि एफर्मेटिव को आपको नेगेटिव में चेंज करना है या असर्टिव सेंटेंस में अलग अलग आपके चेंजेस कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके सेंटेंस फॉर्मेशन, नेक्स्ट वन इसमें आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेजेज और क्लॉज की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इसमें आपके काइंड्स ऑफ नाउन, या आप बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको पूरा पढ़ना ही है, जिसमें आपके क्वेश्चन टैग, इसमें आपके इंटरजेक्शन, कंजक्शन और साथ में एडवर्ब वर्ब, ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ना ही है, तो आप बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। और लास्ट वन इसमें आपके जेरेंड हो गए, चेंज नंबर हो गए, आपके पर्सनल प्रोनाउंस हो गए, तो आप बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में हम लोगों को पढ़ना है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है जनरल साइंस से, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, या आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहने वाला है। पहले नंबर पे आपका फॉसिल्स फ्यूल, जिसमें आपके कोल एंड पेट्रोलियम, जो आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। नेक्स्ट वन इसमें आपके कंबसन एंड फ्लेम, नेक्स्ट वन इसमें आपके सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नेक्स्ट वन इसमें आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेक्स्ट है इसमें आपके 5th नंबर पे फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, 6th नंबर पे आपके साउंड एंड इट्स बेसिक, साउंड और उसे बेसिक आपके कॉन्सेप्ट जो आपके अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होते हैं, और अलग अलग इस तरीके के आपके साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, नेक्स्ट वन इसमें आपके 8th नंबर पे मेटल एंड नॉन मेटल, और साथ में इसके एग्जांपल को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपके सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, नेक्स्ट वन इसमें आपके 10th नंबर पे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, नेक्स्ट इसमें आपके 11th नंबर पे स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, 12th नंबर पे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, 13th नंबर पे ग्लोबल वार्मिंग, 14th नंबर पे आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आपके 15th नंबर पे सब नेचुरल फिनोमिनन, सभी आपके टॉपिक जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ आपके इंक्लूड किए जाते हैं अलग से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 16th नंबर पे हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी फ्यूल का, इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इसमें आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जैसे कि हम लोग आपके चांदी पर सोने की परत आपके प्लेट करते हैं, कोटेड करते हैं, तो उसी को आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है, जिसमें आपके एक महंगे धातु को हम लोग कम धातु पे आपके कोटेड करते हैं ड्यू टू कोरोजन रेजिस्टेंस और अलग अलग हम लोगों के शाइनिंग पर्पज के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके फ्रिक्शन का रिलेशन और फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट वन इसमें आपके 19th नंबर पे क्रॉपिंग सीजन्स, 20 नंबर पे आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, 21 पे आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, 21 पे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, नेक्स्ट वन इसमें आपके 23 पे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, रिप्रोडक्शन भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपके चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी
और लास्ट वन इसमें आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स की बात की जा रही है। या तो साइंस के आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने बताया आपके सैनिक स्कूल में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो सेक्शन रहने वाला है वो आपका सोशल साइंस का रहने वाला है, सामाजिक विज्ञान का। अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 आपके मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले नंबर पे आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, नेक्स्ट वन इसमें आपके फ्रीडम फाइटर्स, इम्पॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, नेक्स्ट वन इसमें आपके सोशल एंड कास्ट रिफॉर्मर्स, नेक्स्ट वन इसमें आपके रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिक्स नंबर पे आपके रॉक साइकिल ऑफ वाटर साइकिल, नेक्स्ट वन इसमें आपके प्रेशर एंड विंड सिस्टम, एट्थ नंबर पे आपके लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस, नेक्स्ट वन इसमें आपके मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, नेक्स्ट वन इसमें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सेकुलरलिज्म, नेक्स्ट वन इसमें आपके 11th नंबर पे इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, नेक्स्ट वन इसमें आपके 12th नंबर पे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट इसमें आपके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स, नेक्स्ट वन इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, नेक्स्ट वन इसमें आपके इलेक्शन, नेक्स्ट आपका रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, नेक्स्ट इसमें आपके दिल्ली सुल्तनत, मुगल, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये सभी चीज़ें आपके एनसीईआरटी से ली गई हैं। नेक्स्ट इसमें आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्विक एंड मेजर लैंड फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, मेजर ग्रासलैंड, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लाइफ इन डिजर्ट, पंचायत सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नेक्स्ट वन इसमें आपके लॉ एंड सोशल जस्टिस, जुडिशरी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मार्जिनलाइजेशन, पब्लिक फैसिलिटी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेस और लास्ट वन इसमें आपके चेंज इन द आर्ट्स। यह सभी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हम बता दें कि आपके क्लास 9 के रिगार्डिंग जो मैंने सिलेबस बताए हैं आपके ऑफिशियल सिलेबस से, और हम लोगों ने डिटेल में सिलेबस के एनालिसिस की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन की, तो आपका 10 जनवरी 2021 को संडे को इसके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 180 मिनट्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह में 10 बजे से 1 बजे के बीच इसके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और सभी राज्यों में आपके इंडिया में कराए जाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहां-कहां पे रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और साथ में हम बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसके अधिक जानकारी पा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे फॉर्म में करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।